उत्तराखंड की धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए सरकार दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन जाने का फैसला किया है। लंदन में मुख्यमंत्री धामी का 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टन रेजर भी जारी किया जाएगा। धामी सरकार ने अगले 5 वर्ष में उत्तराखंड की GSDP दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि निवेशक चाहे भारत का हो या फिर भारत के बाहर का हो, उत्तराखंड में निवेश कर सकते हैं। उत्तराखंड से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इवेंट हुआ है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का, बहुत ही अच्छा यहाँ उत्साह रहा और इंडस्ट्री से भी और मीडिया से भी बहुत ही अच्छे सुझाव भी आए और बहुत हमें सहयोग का आश्वासन भी मिला और जितनी हमने ग्राउंडिंग का टारगेट रखा था उसको हम लगभग अचीव कर चुके हैं। अभी हमारे पास 2 महीने बचे हैं और हमें आशा है कि जो हमने टारगेट ग्राउंडिंग का और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का रखा है उससे ज़्यादा हम अचीव कर पाएंगे। कुछ नए शहर आप बना रहे हैं, बड़े लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और अभी हम सर्विस सेक्टर की जो पॉलिसी अभी हमने कैबिनेट में हमने अप्रूव की है, हमारे मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है, 20 लाख से अधिक रोजगार तो उसी में मिलने वाला है। इसी प्रकार से पॉली हाउस जो हम 1 साल के अंदर 30,000 से भी ज़्यादा बनाने वाले हैं, उन पॉली हाउसों में भी 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिलने वाला है। ऐसे अनेकों जो हमने विभिन्न विभिन्न की जैसे टूरिज्म में हमने पॉलिसी बनाई है उसमें भी कई लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। आने वाले समय में उत्तराखंड की स्थिति ये हो, क्योंकि सरकारी जो रोजगार है, जो सरकारी जिसको सेवा बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पर लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड है। कोई भी कहे कि हम सबको रोजगार दे पाएंगे वो व्यवहारिक रूप से उतना संभव नहीं है।